इससे कुछ नहीं हुआ इसको, मुझे लगा अब बता इतनी तेज तो खींची आपने, अब कितनी चलेगी बेचारी मम्मी। तो गाइस बोलता है बंदा अभी भी नहीं खींच रही है यार, आप मतलब इमेजिन नहीं। सड़के लिए बोट मोड़ जो तो योर है मोड़ से भी पास पाई थे करे तैती सिटी हो सो बड़ मकान से जाइए हम बस तैती सिटी। तो अंकल जी तो यूं में आ का यूं से तो मेन गांव छ दूर स्कूटा दूर छ। न्यू एपिसोड, तो फाइनली गाइस आज हम रेडी होके निकल पड़े हैं यहाँ से, और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जाने वाली है जो कि पूरा दिमाग खाता है। अगर उसके साथ मैं व्लॉग करने लगा तो आई थिंक 3-3.5 घंटे तो निकल जाएंगे आज एक दिन के मतलब व्लॉग करने में। तो बाकी चलिए गाइस उससे मिलाते हैं आपको, फिर निकलते हैं यहाँ से सीधा आगे के लिए। यह रही वो शख्सियत जो मेरे साथ आज जा रही है व्लॉग के, तो मुझे लगता है गाइस अगर इनके साथ मैं व्लॉग करने लगा थोड़ा आगे हो जाऊँ तो लगभग 3-3.5 घंटे तो निकल ही जाते हैं हमारे। तो चलिए गाइस अभी हम निकल पड़े हैं यहाँ से, फिर आगे जाके मिलते हैं आपसे। चलिए गाइस मैंने बोला था ये बंदा लगभग 3.5 घंटे इधर ही मार्केट में उधर इधर करता है, तो मैंने बोला था व्लॉग तो 3-4 घंटे का हो ही जाएगा। अभी देखो अब बंदा है यहाँ पे, अभी कभी खाना खाता है कभी चाय पीता है, अभी सिगरेट जला रहा है, क्या करने वाला है कोई पता नहीं इसका यार, इसका भरोसा नहीं किया जा सकता यार। अभी 1 घंटा और लगा देगा ये, तो मैंने बोला था ये इसके साथ में व्लॉग 3.5 घंटे का कर सकता, इसके साथ में पूरी फिल्म कर सकता हूँ यार। मुझे लाला आप तो चलें, चलो शुक्र है अब उठाया बैग, अब मुझे नहीं पता गाइस क्या करने वाला है आगे, तो चलो अभी चलते हैं यार, इसने ऐसे ही टाइम वेस्ट कर देना है बर्बाद कर देना है, तो आगे जाके आपसे मजे से मिलेंगे। तो फाइनली गाइस इस बंदे ने 3.5 घंटे वेस्ट करने के बाद तो निकला, तो अब देखते हैं आगे क्या करेगा ये बंदा यार, पूरे 3.5 घंटे यार, मतलब 8 बजे हम रूम से निकले हैं अभी, मतलब लगभग 10:30 इधर ही बज गए हमें, 2.5 घंटे यहाँ पे हमारे वेस्ट हो चुके पूरी तरह से। 2.5 घंटे यार, 2.5 घंटे कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं 2.5 घंटे। तो अभी चलो गाइस अभी चलते हैं आगे की, क्या क्या बोल रहा था आसिफ कौन जुंगे वाला क्या, चलो छोड़ो देखते हैं बाद में। तो गाइस चल रहे हैं अभी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। फाइनली गाइस वेट उतरेगा और ये रहा नीचे शालीमार का एरिया, और अभी तो लगता है मुझे मजीद सर मेरा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि अभी बहुत फास्ट चल रहे हैं। तो बाकी ये नीचे शालीमार तो आपको दिख ही रहा होगा, ये सामने रहा किश्तवाड़, और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं सीधा दरगाम के लिए। अभी कहीं भी ब्रेक नहीं मारने का, कुछ भी हो जाए रुकने का नहीं है, बिल्कुल दौड़ने का है सीधा आगे। तो चलिए गाइस आगे जाके मिलेंगे हम आपको, क्या होता है क्या नहीं होता है, तब तक तो चलो गाइस अभी चलते हैं हम यहाँ से सीधा आगे के लिए। और ये रहा शालीमार का एरिया, हॉर्न नहीं मारते, व्लॉग कर रहा हूँ मैं पीछे बैठ के। तो गाइस मुझे लाला को पता नहीं था कि हॉर्न नहीं मारते, मैं व्लॉग कर रहा हूँ। तो बाकी गाइस चलते हैं यार, आवाज़ अगर कम आ रही होगी तो मैनेज कर लेना, बिकॉज मैं माइक वगैरह सब कुछ छोड़ के आया हूँ, भूल गया था, तो सॉरी फॉर देट, मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं हम सीधा, अभी तो ना रुकने का है ना झुकने का है, सीधा चलते जाने का है। लुक एट दिस गाइस, फाइनली हम पहुंचे कुछ इस तरह की जगह पे, ये सामने पूरा किश्तवाड़। मम्मी मुझे पहले से थोड़ा दिखा होता, मैं पहले से ही कैमरा अपना ऑन करता, बिकॉज मुझे थोड़ा लेट दिखा। ये देख लीजिए गाइस यार कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, कसम से यार, माय गॉड। ऊपर से मेरे साथ में मजीद लाला, और ये और ज़्यादा मतलब वो बातों में उलझा उलझा के बंदे को और ज़्यादा इंटरटेन करवाता है, कसम से गाइस। ये देख लीजिए पूरा किश्तवाड़ दिख रहा है यहाँ से, मैं मुड़ के दिखाता हूँ आपको यार, ऐसा कभी नहीं देखने को मिला है गाइस। ओह माय गॉड लुक एट दिस गाइस यार, कितना मतलब खतरनाक सीन है यार यहाँ पे। ये देख लीजिए रोड भी, और ऊपर से मजीद लाला खींचता भी है ना, ऐसी मतलब इतनी खतरनाक खींच रहा है ना मजीद लाला कि यार क्या बताऊँ आपको मैं, कि यार लोगों के ना होश उड़ रहे, लोग हमें देख रहे हैं ये हैं तो हैं कौन पागल लोग, इसे चल रहे हैं और ऐसा क्या कर रहे हैं ये लोग। तो गाइस चलिए आगे चलते हैं हम, मज़ा लेते लेते आगे कहीं और अगर कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट हो तो वहाँ पर मिलते हैं फिर से आपसे।
गाइस यार मुझे डाला ना इतनी तेज बाइक खींची ना यहाँ पे लगभग 3.5 घंटे का मतलब रास्ता जो है हम 1 घंटे में पार कर चुके हैं यार। अभी लगभग 11:15 के आसपास हो रहे हैं। कुछ बाइक को तेल बंद हुआ कि क्या हो गया, मुझे लाला कुछ कर रहे हैं, अब पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्या हुआ मुझे लाला, क्या हुआ इसको? अच्छा खींच नहीं रही है उसे, इससे कुछ नहीं हुआ इसको मुझे लगा। अब बता इतनी तेज तो खींची आपने, अब कितनी चलेगी बेचारी मम्मी? तो गाइस बोलता है बंदा अभी भी नहीं खींच रही है यार, आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते गाइस कि कितनी तेज बाइक खींची इसने मुझे लाले ने, अभी भी बोल रहा है मुझे यार ये खींच नहीं रही है। तो हवाई जहाज थोड़ी ना है यार, बाइक है ये तो। ये देख लीजिए स्पीड, चेक कर लीजिए बंदे की, यहाँ पर स्पीड गाइस इस रोड में इतनी खतरनाक स्पीड यार, इतनी खतरनाक स्पीड फिर भी बोल रहा है बंदा खींच नहीं रही है। यहाँ पे देख लीजिएगा, तो गाइस देखा रोड भी देख लीजिए, बोलता है अभी भी इस रोड में खींच नहीं रही है, पूरी चढ़ाई है सीधा ऊपर के लिए। यार गाइस यार महान हो तुसी तो मजीद लाला, बहुत महान हो आप, तुसी ग्रेट हो। गाइस हम पहुंच चुके हैं कुछ इस तरह की जगह पे और मुजीद लाला कह रहे हैं अभी भी बाइक बोले खींच नहीं रही है और इतनी तकड़ी स्पीड, क्या बताऊं आपको गाइस, पूरा डस्ट मेरे मुंह में चले गया यार कसम से। मुजीद लाला की स्पीड दिखाता हूं मैं आपको गाइस, यहां पे देख लीजिए बंदे की स्पीड देखी इस रोड में, बोल रहा है यार खींची नहीं रही है गाड़ी, पता नहीं क्या हो गया। अब गाड़ी का बिना तेल के ही चल रही थी बाइक, बोला तेल बंद था, बोला गाड़ी झटके मार रही है तेल बंद है, देखा उसको ऑन किया चल पड़ी। अब इतनी खतरनाक स्पीड में भी कह रहा है मुझे लाला के नहीं जी बाइक की स्पीड नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। ओ माय गॉड यहाँ से भी किश्तवाड़ पूरा दिख रहा है यार कसम से गाइस, ड्रोन होना चाहिए था मेरे पास यार। लुक एट दिस गाइस यार, ऐसा एरिया मतलब मुझे लाला हम इधर आए हैं कसम से मुझे लाला, I really can't expect के मतलब अंकल जी त्रिगाम को आई हो आए यो मतलब तू भी नहीं मैं मेन गांव की छियो मेन गांव को लास्ट स्टेट था, कुता टाइम लगे कुता टाइम लगे इससे होता पुलिस महिदिन का कौन है महिदिन का जो मकान का हो क्या पर तो फाइनली गाइस अंकल जी हमें गाइड कर रहे हैं यहाँ से क्या करना है क्या नहीं। اچھا انکل جی تھی ویت مین گام ہر تو کتا ٹائم لگ اس سڑکہ بوٹ موڑ دیتو تو یور موڑ سے بھی پاس پائیں تھے کر تتی سیٹی اسو بڑ مکان سٹا جے یم بس تتی سیٹی تو انکل جی تو میں آکھ کا یو سی تو مین گام چھ دور سکوتا دور چھ تا کیا سن لگ یہ پٹھن کوئی گھنٹہ اکھن لگ یہ پٹھن پالن تیم بعد گو اد پیڈل مطلب ز گھنٹہ چھ سین کنفرم تت تت گڑ کتا گام یان یہ ترگام مطلب ترگام ترگام یہ ہرکن مجھ گام اخ
मतलब क्लोज क्लोज गाम छा का ये वही वही और मियां गाड़ी हाँ। ये थी या सिटी ये जे दियो ना तो मोड़ वापस हां गो की या ये जे ये मुस्लिम गाम ये पर के बस गई हम गाम क्लोज तो मुझे लाला चलें फिर मतलब मुझे ऊपर छोड़ दो ना आप तो आप नीचे उतरो तो फाइनली गाइज अंकल जी कर रहे हैं हमें यहाँ से गाइड और ये देख लीजिए यहाँ का एरिया यार लुक एट दिस गाइज आई रियली कांट एक्सपेक्ट कि मतलब यार इतना अच्छा लगेगा यहाँ पे आने के बाद पूरा देवदार के पेड़ है यहाँ पे देख लीजिए गाइज तो यहाँ से अब मतलब हम कर रहे हैं इसको अब क्लोज कैमरे को अब निकलते हैं आगे के लिए अंकल जी कह रहे हैं जो मेन त्रिगाम है वहाँ यहाँ से लगभग 2-2.5 घंटे का रास्ता है तो वो तो पॉसिबल नहीं है थोड़ा सा ऊपर तक जाएंगे और वापिस मुड़ेंगे तो चले गाइज उतार चुके हैं ये रोड का एंड यहाँ पे और आप देख लीजिए यहाँ पे कितना अच्छा मज़ा है यार यहाँ से सामने सीधा किश्तवाड़ पूरा दिख रहा है यार गाइज ये देख लीजिए नीचे पूरा किश्तवाड़ है यार यहाँ से दिख रहा आहा कितना खतरनाक मज़ा है तो मैं यहाँ से चढ़ता हूँ ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे एक स्कूल भी है ये भी क्लोज कर लेंगे हम अगर स्कूल ही होगा तो बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। फाइनली गाइस हम जो हैं अभी वापस पहुंचने वाले हैं किश्तवाड़ में बिकॉज अंधेरा होने वाला है मैंने सोचा शूट कर ही लेते थोड़ा सा व्लॉग का एंड कर देते हैं क्योंकि कल का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा तो अभी आप देख रहे होंगे रात होने वाली है और किश्तवाड़ पहुंचने वाले हैं अभी बज रहे हैं लगभग 6:30-7 बज रहे हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा तो चले गाइस तब तक के लिए मस्त रहें स्वस्थ रहें खुश रहें खाते रहें पीते रहें मिलते हैं फिर किसी वीडियो में तब तक के लिए बाय।